नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर बीडी पाटिल आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कोविड बीमारी के कारण आप में और हमें दूरियां पैदा हो गई। आपको घर में बैठकर अध्ययन करना पड़ रहा है और हमें इस नई तकनीकी के सहारे आपको पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब तक पाठ्यक्रम में जितना भी हिस्सा हमने देखा, जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं, उन सभी वीडियोस को आप सभी का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह मुझे मिला है, अच्छा प्रतिसाद मिला है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद वाले वीडियोस के लिए भी आपका ऐसा ही स्नेह मुझे मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आइए इस कक्षा में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम हमारे पाठ्यक्रम की आधुनिक कविता के अंतर्गत आने वाली कविता एक वृक्ष की हत्या, इस कविता का अध्ययन करेंगे। और इस कविता के जो कवि है, हिंदी साहित्य में जिनको नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर वाले कवि कहा जाता है, कवि कुंवर नारायण जी, उनका हम अध्ययन करेंगे, उनका जीवन परिचय देखेंगे। और कवि कुंवर नारायण जो कि संगीत, सिनेमा, कविता और दर्शन पर पकड़ रखने वाले मजबूत ऐसे कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य में, इस कवि के जीवन का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आपका जन्म 29 सितंबर 1927 को फैजाबाद यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। कुंवर नारायण जी की शिक्षा ऐसी है कि उन्होंने इंटर तक, मतलब 12वीं तक उन्होंने विज्ञान के छात्र के रूप में अध्ययन किया, साइंस के विद्यार्थी रहे। उसके बाद उनकी रुचि धीरे धीरे साहित्य में बढ़ने लगी, कथा, काव्य, इनमें उनका अध्ययन का दायरा बढ़ता गया। फिर उनमें उनकी रुचि बढ़ती गई और फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई साइंस में न करते हुए उन्होंने साहित्य में पढ़ना और साहित्य में डिग्री प्राप्त करना सही समझा। और फिर उन्होंने 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य से उन्होंने MA पूरा किया। आपकी रुचि साहित्य में बढ़ती गई तो आपका लेखन का कार्य भी बढ़ता गया और धीरे धीरे आप अनेक पदों पर कार्यान्वित हुए। संगीत नाटक अकादमी के आप उपाध्यक्ष रहे। आपने साहित्य सृजन में बिता दिया, समर्पित किया। आपके अंतिम दिन मुंबई में बीते और 90 साल की उम्र में 15 नवंबर 2017 में यानी हाल ही में उनका देहांत हुआ। ऐसे मई साहित्यकार कुंवर नारायण जी का ये जीवन परिचय है। दोस्तों, कुंवर नारायण जी ने सुंदर सुंदर ऐसी की है जिससे उनका नाम अजरामर रहा। तार सप्तक के कवियों में उनकी गणना की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कवि है। भूषण कुंवर नारायण ऐसी उनकी ख्याति पूरे देश में है। तो इनकी प्रमुख कृतियां ऐसी है, इनकी कविता संग्रह है चक्रव्यूह, ये उनकी कविता संग्रह की किताब, और चक्रव्यूह कविता संग्रह से उनके साहित्य सृजन की शुरुआत हुई। दोस्तों, यहाँ से उन्होंने लेखन की शुरुआत की। फिर तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा, इन दिनों ये कविता संग्रह प्रकाशित हुए और लोगों को बहुत अच्छे लगे, बहुत प्रसिद्ध हुए। आपने खंडकाव्य लिखा है आत्मजयी 1965 में, और हिंदी साहित्य में कुंवर नारायण जी का ये जो खंड काव्य है बहुत ही प्रसिद्ध है, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। वाज्रश्रवा के बहानी, ये भी आपका खंड काव्य है। उसके बाद कहानी संग्रह आपका है आकारों के आसपास। आपने समीक्षा भी लिखी है आज और आज से पहले, ये आपकी एक समीक्षा की किताब है। मेरे साक्षात्कार, ये उनकी किताब है जिसमें उन्होंने साक्षात्कार लिखे हैं।
साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ है। फिर उसके बाद संकलन के अंतर्गत आता है कुंवर नारायण संसार, मतलब उसमें क्या है उनके चुने हुए लेख है जो उन्होंने लेख लिखे हैं। उसके बाद कुंवर नारायण उपस्थिति, इसमें भी क्या है उनके चुने हुए लेखों का संग्रह है। फिर उसके बाद कुंवर नारायण प्रतिनिधि कविताएं, यानी उसकी प्रमुख प्रमुख ऐसी कविताओं को संकलित करके ये किताब बनाई है। तो दोस्तों यह है कुंवर नारायण जी की यह संसार, ये जगत, जिसके कारण उनको हिंदी साहित्य में बहुत सम्मान से नवाजा जाता है। कुंवर नारायण जी जो कि हिंदी साहित्य में इतने प्रसिद्ध हुए, पाठकों ने उनको बहुत सराहा, तो उनकी विशेषता रही जिसके कारण उनके, तो आइए उनके साहित्य की विशेष उनके साहित्य की कि सरल भाषा में विचार प्रकट उन्हें लिखा ना, सरल भाषा में लिखा जो कि आसान भाषा सरल भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। दूसरी विशेषता है वैचारिक धुंध के बजाय हमेशा वो क्या रखते थे, मतलब क्या है वैचारिक धुंध उनके मन पर बिल्कुल नहीं थी। कुछ लेखक होते हैं कि उनके मन पर एक ऐसी वैचारिक धुंध होती है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, मैं लोगों को ज्ञान दूंगा, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। ये एक क्या है वैचारिक धुंध कुछ लेखकों के दिमाग पर रहती है और वो वैसा लेखन करते हैं। लेकिन कुंवर नारायण जी हमेशा संयम रखते और संयम के साथ लेखन करते। उन्होंने कभी भी अपने विचारों का या अपने ज्ञान का डंका नहीं लगाया। अगली विशेषता है व्यर्थ उलझन नहीं, उनके साहित्य में उनकी रचना में व्यर्थ की उलझन बिल्कुल नहीं होती। आप इस कविता को भी पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि व्यर्थ पाठकों को उलझा कर नहीं रखते। उलझा कर रखना यहाँ वहाँ की बातें ज़्यादा करना और मुख्य विषय से पाठकों का ध्यान हटाना, तो ऐसा उनके रचनाओं में कहीं नहीं दिखाई देता। वो हमेशा सीधा पॉइंट वाले कवि है, हमेशा अपने मुद्दे के साथ ही क्या है लेखन करते हैं, तो उनके साहित्य में व्यर्थ की उलझन बिल्कुल नहीं। अगली विशेषता है भाषा और की विविधता, उनके साहित्य में हमेशा विषयों की विविधता रही है। हर विषय पर वो लिखते हैं और हर विचार रखे हैं जो कि पाठकों को आसान भाषा में पढ़ने के लिए मिलते हैं। पाठकों को सामाजिक संदेश, ये उनके साहित्य की विशेषता है। वो लिखते हैं तो कुछ ना कुछ सामाजिक संदेश जरूर देते हैं। दोस्तों इस कविता में भी एक वृक्ष की हत्या, इस कविता में भी क्या है उन्होंने सामाजिक संदेश ये दिया है कि हमें पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, हमारा पूरा जीवन पर्यावरण से क्या है संबंधित है, जुड़ा है। तो हर लेखन में उनकी क्या है सामाजिक संदेश पाठकों को मिलता ही है। अखबारी भाषा बिल्कुल नहीं है, अखबारी भाषा मतलब चटपटी भाषा। अखबार वाले क्या करते हैं अपना अखबार लोग पढ़े ज़्यादा, उसकी खपत ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो, इसलिए क्या है भाषा कैसे चटपटी। लेकिन कुंवर नारायण जी ने कभी भी अखबारी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, उनकी भाषा शुद्ध भाषा रही, सरल भाषा रही। तो ऐसी है कुंवर नारायण जी के साहित्य की विशेषताएं। कुंवर नारायण जी ने अपना पूरा जीवन हिंदी साहित्य के सृजन में लगाया, तो उनके साहित्य के कारण उनको अनेक पुरस्कार मिले, सम्मान मिले। तो कुछ पुरस्कार यहाँ पे हम उनका जिक्र करते हैं। कुंवर नारायण जी को 2009 में 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने क्या है अपने शुभ हाथों से उनको यह सम्मान दिया, सम्मानित किया। कुंवर नारायण जी को अन्य सम्मान भी मिले हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये भी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला है। व्यास सम्मान मिला है उनको, कुमार आशान पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। प्रेमचंद पुरस्कार उनको मिला है, आप जानते हैं प्रेमचंद पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार उनको मिला है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान, देश का बड़ा सम्मान है ये राष्ट्रीय कबीर सम्मान, ये उनको मिला है। शलाका पुरस्कार उनको मिला है, मेडल ऑफ वारसा यूनिवर्सिटी, पोलैंड सम्मान,
पोलैंड और रोम के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियो फोरेनिया सम्मान, ये क्या है, ये उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। और 2009 में हमारे देश का जिसे हम कहते हैं कि महान ऐसा सम्मान पद्म भूषण, इस सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यह कुंवर नारायण जी को उनके साहित्य के लिए मिले हुए क्या है, पुरस्कार एवं सम्मान है। हिंदी साहित्य के चमकते हुए सितारे कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय आज हमने इस कक्षा में देखा है। उम्मीद करता हूँ आज इस कक्षा में पढ़ाया गया जीवन परिचय आपको समझ में, उम्मीद करता हूँ कि आप घर में रहे और अध्ययन करते रहे। हम अगली कक्षा में कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या इस कविता का अध्ययन करेंगे, उसका भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।